जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर से सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ मैं आज आप सभी को ये वचन देता हूं कि जो भी व्यक्ति हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उन सभी के लिए हम कल अपनी मुख्य पूजा में भगवान विष्णु जी से और माता मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर परिवार में, आपके जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहे। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 2 सितंबर 2019 दिन सोमवार, भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज तृतीय तिथि सुबह 4:27 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 7:38 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ने से आपके घर वालों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। आज अपनी दवाइयां सही समय से लेकर अपने रक्तचाप को कंट्रोल में रखें। यदि आपका स्वयं का व्यवसाय है तो आज अचानक ही कोई अड़चन आज आपके काम धंधों में रुकावट बन सकती है। या तो आपके कारीगर आज काम करने से इनकार कर सकते हैं या माल समय से ना आने से आपका शेड्यूल डिले हो सकता है और कस्टमर्स को वापस लौटना पड़ सकता है। पशुपालन और पशुओं से संबंधित व्यवसाय करने वाले लोगों को आज धन हानि हो सकती है, परंतु आज सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन शुभ है क्योंकि पिछले कई दिनों से उनके द्वारा किए गए प्रयास आज रंग लाएंगे और आज उन्हें अपने प्रमोशन की सूचना प्राप्त हो सकती है। आज यदि आप गाय के दूध में गंगा जल मिलाकर उसे पीतल के बर्तन में डालकर घर में रखते हैं तो यह आपको शुभ फल देगा। अस्पताल में प्याऊ या वाटर कूलर लगवाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। मेष राशि वाले, अगर आपके पास अपना घर नहीं है, अपनी कार नहीं है और आप इन सबको पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध
प्राण प्रतिष्ठित मोती की अंगूठी यानी कि पर्ल की अंगूठी धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिशि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञ महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चमत्कारी उपाय जिसे आज कोई भी राशि का जातक करके अपने घर में एक सुख और शांतिपूर्ण वातावरण बना सकता है। आज आप अशोक के 7 पत्ते लें और उन्हें गंगा जल से धोकर अपने घर के मंदिर में रख दें। जब वे पत्ते सूख जाएं, तो उन पत्तों को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और दोबारा नए पत्ते ले आएं। ऐसा आप प्रत्येक शुक्रवार को करें। यदि आप इस उपाय को निरंतर श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में एक सुख और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। Namaste. My name is Kiran and I'm from South Africa. I'm actually a tarot reader in South Africa and I also have been on the local TV programs and newspapers and I will always visit India to visit Guru Rajneesh Rishi Ji. My experience with Guru Rajneesh Rishi Ji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013. And I was searching online and I've been to many of them, many spiritual leaders who I sought help from, but none of them came, could help me out. So I went online and started searching for somebody who's genuine and strong in the background of astrology. And that's when I came across Guru Rajneesh Rishiji's website. And he gave me everything in detail. And with his blessings, I was able to go forward. And afterwards, a lot of problems were solved. And whenever there's any issue that comes up, be it with me or my family, all I do is close my eyes and call upon him. And I meditate upon him and he does appear in the dreams. And those signs and symbols that he gives you in the dreams actually help you to move forward in life. Using his gem rings actually bring about a lot of positivity in your life and it enhances your life in every aspect. Not only does he tell you to use the gem rings, but he also gives you other remedies as well. And together with the blessings of Guru Maa Rukmani Ji, I also was able to go forward. And also at Shani Peet, there's a lot of strength and power that comes out from the pujas that happen. Because even with the Navgraha Shanti Puja that I performed with Guruji and Guru Maa, it actually changed life
a lot for me because it brought about a whole lot of new beginnings, new understandings, and also it brings about a whole lot of light in life. So I would recommend visiting Shani Peeth at any point in time because it's a place that you will definitely get genuine help from. क्या आप नौकरी ना मिल पाने के कारण परेशान हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा? क्या आपका बॉस आपको हर समय धमकियां देता रहता है? क्या आपके ऑफिस कॉलीग बॉस के साथ मिलकर हर समय आपको नीचा दिखाते रहते हैं? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।